हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन आपके बुक में आगे पीछे दिया हो, तो आप क्वेश्चन फाइंड आउट कर लीजिए। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस 3x² प्लस 12। सो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस 3x² प्लस 12। अब ये जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वाले सम करने होते हैं, इनके कुछ रूल्स हैं, स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स आपको याद करने होंगे। दूसरी बात मैं बता दूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। मोस्टली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो स्टेप्स में क्या है, तो सबसे पहले है स्टेप नंबर 1, आपको डेरिवेटिव करना है। स्टेप नंबर 2, डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 लेना है। स्टेप नंबर 3, डबल डेरिवेटिव करना है। स्टेप नंबर 4, पुट द वैल्यूज ऑफ x इन डबल डेरिवेटिव। एंड स्टेप नंबर 5, पुट द वैल्यूज ऑफ x इन ओरिजिनल फंक्शन। तो पहले ये सारे स्टेप्स आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम पूरा सम सॉल्व करेंगे। सो आइए अब हम सम पे आ जाते हैं। दूसरा एक मैं आपको बात बता दूं कि आप मेरे सारे लेक्चर्स जो हैं वो सीक्वेंस में देखोगे, आगे पीछे करके नहीं देखोगे, समझ में नहीं आएंगे। अब सबसे पहले स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, तो स्टेप नंबर 1 हमें डेरिवेटिव करना है। अब y होगा तो हम dy/dx लिखते हैं। f'x है, fx है, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स। तो हम यहाँ पर एफ डैश एक्स लिखेंगे। सो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 × 2 6x² प्लस 2 × 3 6x प्लस ओनली नंबर का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 हो जाता है। सो ये हमने स्टेप नंबर 1 कर लिया। स्टेप नंबर 1 क्या था, डेरिवेटिव करना है। स्टेप नंबर 2, डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 लेना है। तो अब मैं स्टेप नंबर 2 कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 2 में है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब एफ डैश एक्स क्या है, तो वो है 6x² प्लस 6x इज इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों में से 6x कॉमन निकाल देंगे, तो वैल्यू बची x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर हमें लिखना होगा कि 6x इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो फाइनली x इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 6 और x इज इक्वल्स टू -1। सो फाइनली हमारा आंसर हुआ x इक्वल्स टू 0, ये एक वैल्यू आई, एंड और x इक्वल्स टू -1, ये दूसरी वैल्यू आई। सो x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू -1। सो सबसे पहले हमने डेरिवेटिव किया, देन डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 ले लिया। नाउ देन स्टेप नंबर 3। सो स्टेप नंबर 3 में क्या है, तो डबल डेरिवेटिव करना है, d²y/dx²। तो स्टेप नंबर 3, d²y/dx²। d²y/dx² हम तब लिखेंगे जब हमारा y हो, और अगर हमारा एफ डैश एक्स है तो हम क्या लिखेंगे, एफ डबल डैश एक्स। दोनों में से जो भी आपको दिया हुआ वो आप लिख दो, ठीक है। सो एफ डबल डैश एक्स डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का एक बार और डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव क्या होगा, 6x² है, तो 6x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 12x, 2 × 6 12x^2 −1 प्लस 6x का डेरिवेटिव 6। अब ये हो गया डबल डेरिवेटिव। तो पहले हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1 डेरिवेटिव, स्टेप नंबर 2 डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, स्टेप नंबर 3 डबल डेरिवेटिव। अब स्टेप नंबर 4 में क्या है, पुट द वैल्यूज ऑफ x इन डबल डेरिवेटिव। ये जो x की वैल्यूज आई है वो हमें डबल डेरिवेटिव में रखनी है, ये है स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में पहले डबल डेरिवेटिव क्या है, तो एफ डैश एक्स है इनका 12x प्लस 6, 12x प्लस 6। अब x की जो वैल्यूज़ हैं वो डबल डेरिवेटिव में रखनी है,
तो x के दो वैल्यूज आए हैं, एक x इक्वल्स टू जीरो एंड x इक्वल्स टू माइनस वन, हम दोनों रखेंगे. सो दोनों कैसे रखेंगे? सो व्हेन x इक्वल्स टू जीरो तो क्या हो जाएगा, f डबल डैश जीरो इज इक्वल्स टू 12. अब इस फंक्शन में जीरो रख देंगे x की वैल्यू प्लस 6, सो ये हो जाएगा 12 इंटू जीरो जीरो प्लस 6, सो फाइनल आंसर 6 व्हेन x इक्वल्स टू जीरो. और दूसरा हमें लिखना है कि व्हेन x की दूसरी वैल्यू कौन सी आई है, व्हेन x इक्वल्स टू माइनस वन, x की वैल्यू कौन सी आई है, माइनस वन. तो दूसरी बार हम लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू माइनस वन, सो f डबल डैश माइनस वन इज इक्वल्स टू 12 इंटू माइनस वन प्लस 6. सो 12 इंटू माइनस वन तो ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 6, सो फाइनली आंसर हो जाएगा माइनस 6. अब ये जो प्लस 6 है ये है ग्रेटर देन 0, और ये जो माइनस 6 है वो है लेस देन 0. सो अगर ये ग्रेटर देन 0 है सो फंक्शन मिनिमम हो जाएगा. मैं फिर से बता रहा हूँ, पॉजिटिव वैल्यू हो, ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन मिनिमम. तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखना है व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब भी x की वैल्यू 0 है फंक्शन विल बी मिनिमम. पॉजिटिव है तो मिनिमम. और यहाँ पर लिखेंगे कि व्हेन x इक्वल्स टू माइनस वन फंक्शन विल बी मैक्सिमम. ये आपको याद कैसे करना है, पॉजिटिव हो तो मिनिमम, नेगेटिव हो तो मैक्सिमम, उल्टा याद रखना है, पॉजिटिव मिनिमम नेगेटिव हो तो मैक्सिमम. ये था स्टेप नंबर 4 कि पुट द वैल्यूज ऑफ x इन डबल डेरिवेटिव. अब लास्ट है स्टेप नंबर 5, पुट द वैल्यूज ऑफ x इन ओरिजिनल फंक्शन. अब हमें स्टेप नंबर 5 कर दें. ये मिनिमम मैक्सिमम के जितने भी सम्स होंगे वो इन्हीं स्टेप्स के साथ सॉल्व होंगे, आपको यही स्टेप्स आपको फॉलो करने. अब ओरिजिनल फंक्शन कौन सा है, व्हेन x इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12. तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12. अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर वैल्यूज लिखनी है x की वैल्यूज. x की वैल्यूज कहाँ से आएगी, ये रही, ये जो दोनों x की वैल्यूज है वो ओरिजिनल फंक्शन में रखनी है. तो ये ओरिजिनल फंक्शन था तो पहले मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूँ. सो ये हो जाएगा 2x, x की जगह हम क्या करेंगे 0, 2 0 क्यूब प्लस 3 0 रेस टू 2 प्लस 12, ये 0 है, ठीक है. सो 0 का क्यूब 0 होगा, इंटू 2 करेंगे तो 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 12. सो फाइनली आंसर इज 12. सो एफ जीरो का जो वैल्यू है वो हमारा आया आंसर 12. अब दूसरी बार एफ एक्स इसी ओरिजिनल फंक्शन में हमें कौन सी वैल्यू रखनी है, तो एक्स की वैल्यू माइनस वन रखनी है. तो पहले मैं ओरिजिनल फंक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12. अब हमें माइनस वन वैल्यू रखनी है, सो माइनस वन रखेंगे तो सो एफ माइनस वन इज इक्वल्स टू 2 माइनस वन क्यूब प्लस 3 माइनस वन स्क्वायर प्लस 12. सो 2, अब माइनस वन का क्यूब क्या होगा, तो ये माइनस वन प्लस 3, माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, तो प्लस 1 प्लस 12. तो ये हो गया माइनस 2 प्लस 3 प्लस 12, 12 प्लस 3 15, 15 माइनस 2 13. तो ये हो गया एफ माइनस 1, ये हो गया हमारा आंसर. सो
सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 28 था, जिसमें हमने, फिर से मैं आपको बता दूं, आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, और वो स्टेप्स कौन से हैं, वो स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए। पहले तो आप ये स्टेप्स समझ लो। स्टेप्स में करना क्या है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इक्वल्स टू ज़ीरो, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव करेंगे फिर आपको क्या करना है, पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स इन डबल डेरिवेटिव एंड पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स इन ओरिजिनल फंक्शन। एक्स की वैल्यूज कहाँ से आएंगी, स्टेप नंबर टू में मिलेगी। स्टेप नंबर टू में जो वैल्यू मिली है वो फोर एंड फाइव में यूज़ कर दी है। चलिए फिर से देख लेते हैं। पहले फंक्शन लिखा, फंक्शन इक्वल्स, फंक्शन का डेरिवेटिव कर लिया स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू डेरिवेटिव इक्वल्स टू ज़ीरो लिया, फिर एक्स की वैल्यू आ गई, फिर मैंने डबल डेरिवेटिव किया, फिर जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ डबल डेरिवेटिव में रखी हैं, और यही एक्स की वैल्यू मैंने ओरिजिनल फंक्शन में रखी है। अगर आप ट्वेल्थ में गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स रहे होंगे तो आप ये करके आए हो ट्वेल्थ में। अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपका ये ट्वेल्थ में नहीं था। सो गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स ने स्टैटिस्टिक्स में किया हुआ है। अब आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका पेज नंबर फर्स्ट पेज था जिसमें मैंने आपको थ्री स्टेप्स करवाए। देन ये आपका सेकंड पेज है जिसमें हमने स्टेप नंबर फोर एंड फाइव किए हैं, ठीक है। ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड देन ये आपका लास्ट पेज। वंस अगेन बता दूँ, ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। वैल्यूज़ देख लीजिए, आंसर्स भी आए हैं कि व्हेन एक्स इक्वल्स टू माइनस वन आंसर 13, हमारा भी आंसर देखिए 13 ही आया है जब हमने माइनस वन लिया है। एंड व्हेन एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, सो आंसर क्या आया है, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो लिया है तो आंसर आया है 12। सो ये फर्स्ट सम था इस टॉपिक का, और भी मैं आपको कुछ सम्स करवाने वाला हूँ। अब हम देखते हैं कि इसमें आपको अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी तो आप क्या कर सकते हो। सो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ सम्स होमवर्क में टिक करवा देता हूँ। सो इसके होमवर्क में आपको कौन से सम्स करने हैं, सो एक क्वेश्चन नंबर 29 आप ट्राई करोगे, दूसरा क्वेश्चन नंबर 30 आप ट्राई कर सकते हो, एंड क्वेश्चन नंबर 35। ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी करोगे तो भी सफिशिएंट है। देन आप कुछ इलस्ट्रेशंस भी ट्राई कर सकते हो। इलस्ट्रेशंस में मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसके सॉल्यूशंस आपके पास हैं, ताकि ये जो मैंने आपको सेम स्टेप्स करवाए हैं वो आप स्टेप्स यहाँ से भी कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 8 बिल्कुल जैसे हमने किया वैसा ही आपको करना है। इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन 9 ये भी सेम है, इलस्ट्रेशन 8, 9 एंड 11 ये इलस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा। ये आप होमवर्क में करेंगे या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहीं पूरा करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे के सम्स करेंगे।